अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम सब जानते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें गिज़ा, लिबास और मकान हैं। जब हम सैर तफरी को जाते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म की बनावट के मकानात होते हैं। जैसे सर्द इलाकों में इस तरह की किस्म के मकानात होते हैं जिसे हम इग्लू कहते हैं। जहाँ ज़्यादा तेज़ बारिश होती है वहाँ के मकानात की छतें ढलवानी होती हैं ताकि बारिश का पानी छत पर ना ठहरे। और भी बहुत से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की बनावट के मकानात होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ के लोगों के लिबास भी मुख्तलिफ होते हैं। गिज़ा का भी यही मामला है। हमारी गिज़ा में दालें, अनाज, अंडे, गोश्त, सब्ज़ी, अनाज वगैरह शामिल होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ के लोगों की गिज़ा में चूटियाँ और कीड़े मकोड़े शामिल हैं। इसी तरह नबातात और हैवानात में भी फ़र्क पाया जाता है। जैसा कि कंगारू हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी तरह नबातात का भी यही मामला है। प्यारे बच्चों, हम अपने अतराफ में जो देखते और महसूस करते हैं इनमें से कुछ मुख्तलिफ अशिया दुनिया के दिगर इलाकों में पाई जाती है और बहुत सी अशिया जो दिगर इलाकों में पाई जाती है वो हमारे अतराफ नहीं पाई जाती। जैसे टेलीविज़न पर हम जंगलाती ज़िंदगी पर बहुत से वीडियोस देखते हैं जिसमें तरह तरह के हैवानात होते हैं, लेकिन वह हैवानात हमारे अतराफ क्यों नहीं पाए जाते, इनमें फ़र्क क्यों पैदा हुआ है, आइए इसके असबाब जानते हैं। सतह ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों की ज़मीनी साख्त, आबोहवा और मिट्टी में हमें इख्तलाफ नज़र आता है। ये इख्तलाफ ख़ास तौर पर इन इलाकों में पड़ने वाली सूरज की रोशनी और पानी की दस्तयाबी पर मुनहसिर है। हमने पिछली जमात में ये मालूम कर लिया है कि ख़ते इस्तवाई इलाकों में सूरज की रोशनी और बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है और कुतबैन की जानिब बारिश का तनासुब कम होता जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में आबोहवा मुख्तलिफ होती है। चट्टानों में फ़र्क और ज़मीन की दस्तयाबी के फ़र्क की वजह से मिट्टी में भी फ़र्क पाया जाता है। अलग अलग इलाकों की ज़मीनी साख्त जुदा जुदा होती है। इन तमाम अवामिल में होने वाली तब्दीलियों का असर नबातात, हैवानात और इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने की वजह से हैवानी ज़िंदगी में तब्दीली वाक़ होती है। ज़मीन पर मुख्तलिफ बर्राज़मों में मखसूस अर्जुल बलद के दरमियान आबोहवा, नबातात और हैवानी ज़िंदगी में यकसानियत नज़र आती है और कुछ इलाके दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ये इलाके कुदरती अवामिल पर मुनहसिर होते हैं, इसीलिए इन्हें कुदरती खत्ते कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ के ज़मीनी इलाके कुदरती खित्तों में तकसीम किए जाते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा, हम इन कुदरती खित्तों की तकसीम को समझेंगे। जमात अख्तुम के जुग्राफी के सबक नंबर 6, कुदरती खित्ते।